सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी और विषय हिंदी में हम पढ़ेंगे कविता पढ़ो और समझो और कहानी। मेरी कविता का शीर्षक है आम। एक रसीला फल घर आया, जिसे देखकर मन ललचाया, झटपट तोड़ो देखकर लपका, पकड़ा धोया कब से खाया, छिलका पतला गूदा खूब, खट्टा मीठा रस भरपूर, मजा खूब ही खा कर आया, आम रसीला मुझको भाया। धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे पढ़ो और समझो। र, र में आ की मात्रा रा, म राम, आ, अ, न में आ की मात्रा ना, र अनार, ल, ल में आ की मात्रा ला, राम आ अनार ला। नेक्स्ट लाइन ल, ल में आ की मात्रा ला, ल लाल, ल में आ की मात्रा ला, ल लाल, अ, न में आ की मात्रा ना, र अनार, ख में आ की मात्रा खा, लाल लाल अनार खा। नेक्स्ट न में आ की मात्रा ना, न में आ की मात्रा ना, ना ना, अ में आ की मात्रा आ, ए आए, न में आ की मात्रा ना, न में आ की मात्रा ना, ना ना, अ में आ की मात्रा आ, ए आए, ना ना आए, ना ना आए। नेक्स्ट लाइन ट, ल में आ की मात्रा ला, ल लाल, ल, ल में आ की मात्रा ला, ल लाल, च, म में आ की मात्रा मा, च, र, टमाटर, ल में आ की मात्रा ला, ए, लाए, लाल लाल टमाटर लाए। अब हम पढ़ेंगे कहानी नकलची बंदर। एक टोपियां बेचने वाला व्यापारी शहर टोपियां बेचने जा रहा था। रास्ते में थककर पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर कुछ बंदर थे, वे नीचे उतरे और सारी टोपियां पहन ली। बंदरों की आवाज से व्यापारी की नींद खुल गई। बंदरों के पास अपनी टोपियां देख उसके होश उड़ गए। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने सिर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी नकल कर अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। व्यापारी ने जल्दी जल्दी सारी टोपियां उठाकर थैले में डाल ली, फिर तेज कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।